जस्ट वॉन्ट इट ट फ्यू मिनट्स टू हेल्प यू अंडरस्टैंड सम रियालिटीज एज फार एज सेटन इज कंसर्ड और कुछ पल लेके मैं कुछ आप लोग को बताना चाहूँगा कुछ वास्तविकताओं पर जब शैतान के बारे में हम बात करते हैं यू नो जीजस सेटन हैज ए थ्री पॉइंट एजेंडा और युष्ण का शैतान का एक तीन मुख्य उद्देश्य है वट इज इट यू नो आप जानते हैं क्या है थ्री पॉइंट एजेंडा तीन बिंदु उद्देश्य कोई कुछ कह रहा है सेट लाउडर यस हु सेट दैट और राइट द थ्री पॉइंट एजेंडा इज स्टील किल डिस्ट्रॉय और चोरी करना मारना और विनाश करना दैट्स हिज एजेंडा और यही उसका उद्देश्य है एंड टू अकम्प्लिश दिस ही विल डू और इसको पूरा करने के लिए वो कुछ भी करेगा टू यू यू ही मे अट्रैक्ट विद अ टॉफी और लॉलीपॉप टिल यू कम वेरी क्लोज एंड ही विल एम्ब्रेस यू मेक यू फील लव देन फ्रॉम द बैक ही विल यू 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 स्टैब एंड और आपको घात करने के लिए वो पहले आपको छोटी छोटी चीजों को देके थोड़ा बहुत लालच देगा और फिर आपको पीछे से हमला करके घात करेगा सेटन लव यू शैतान आपसे प्रेम नहीं करता ही हेट्स यू वो आपसे नफरत करता है ही हेट्स यू वो आपसे नफरत करता है यू नो you know आप जानते हैं क्यों बिकॉज यू आर क्रिएशन क्योंकि आप परमेश्वर की रचना है यू आर गॉड्स क्रिएशन आप परमेश्वर की खास रचना है यू आर गॉड्स बेस्ट क्रिएशन आप परमेश्वर की सबसे उत्तम रचना है एंड गॉड हैज द बेस्ट द्लैंड फॉर यू और परमेश्वर ने आपके लिए सबसे उत्तम योजना बनाई so है सेट हेट्स यू और शैतान को आपसे नफरत He है। लव यू वो आपसे प्रेम नहीं करता प्लीज रिमेंबर दैट याद रखिए ही वॉन्ट्स टू डिस्ट्रॉय यू वो आपको नाश करना चाहता है टू खिल यू वो आपको मारना चाहता he है वॉन्ट्स टू स्टील फ्रॉम यू और आपसे चोरी करना चाहता है यू नो सेटन इज अ फॉलन एंजल और शैतान एक गिरा हुआ स्वर्गदूत है जो गिर गया स्वर्ग बिफोर ही बिकेम सेटन ही वाज़ दी मेन एंजल इन हेवन और शैतान बनने से पहले वो स्वर्ग में सबसे मुख्य दूत था ही नेक्स्ट टू गॉड और वो परमेश्वर के ठीक बाद में था दैट हिज इन हेवन वो स्वर्ग में उसका स्थान था ही वॉज द चीफ म्यूजिशियन और वो सबसे मुख्य ध्वनिकार था ही वॉज द मोस्ट पावरफुल एंजल वो सबसे सामर्थी स्वर्ग दूत था

क्योंकि उसने देखा था कि परमेश्वर की कैसे आराधना होती है uh, और इसीलिए बयाबान में शैतान ने यीशु से कहा अगर तुम मेरे सामने झुक के मुझे दंडवत करे आई विल गिव यूर वर्ल्ड पूरा संसार दे दूंगा He longs for somebody to worship him. वो इच्छा रखता है कि कोई उसकी उपासना करे नाउ हाउ मेनी ऑफ यूपे कितने लोग शैतान की उपासना करते हैं बड़ी वो यू थिंक यू आर नॉट वर्शिपिंग हिम बट नो इन समथिंग्स यू आर वर्शिपिंग हिम आपको लगता है कि आप शैतान की उपासना नहीं करते लेकिन कुछ चीजों में आप करते हैं Satan craves. और इसीलिए आपको हम बताते रहते हैं कि आप इन चीजों को ना करें उन चीजों को ना करें सावधान रहे क्योंकि इन्हीं चीजों के लिए शैतान इंतजार में बैठा है The other thing that he craves is blood. और दूसरी चीज है जिसके वो बहुत इच्छा रखता है वो है खून यू नो दैट आप जानते हैं Satan wants blood. शैतान को खून पसंद है, no, no, चाहता है. चाहता है. ही वॉन्ट ब्लड वो खून चाहता है दैट इज वाई हीज सो मैनी सैक्रीफाइसेसर मेड टू हिम सेल्फ और इसीलिए ऐसे बहुत से बलिदान है जो उसके लिए स्वयं के लिए किए जाते हैं बट हु कौन भुगतता है और जो सड़क पर होने वाली दुर्घटनाएं होती हैं वो शैतानी काम होता है यू नो वाई आप जानते हैं क्यों बिकॉज इट ड्रॉज आउट ब्लड क्योंकि उसमें से खून निकलता है देर आर सम रोड चौराहे विच आर फेमस फॉर एक्सीडेंट्स और कुछ चौराहे ऐसे होते हैं जो बड़ा प्रसिद्ध है दुर्घटनाओं के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे संसार भर में सम रोड क्रॉसिंग कुछ चौराहों पर एंड यू विल रीड और सी दैट अ लॉट ऑफ ब्लड इज शेड बिकॉज ऑफ दोखेंगे और आप देखेंगे और पढ़ेंगे कि उन दुर्घटनाओं की वजह से उन चौराहों पर बड़ा खून बहा डज दिस हैपन क्यों ऐसा होता Because है क्योंकि शैतान अपना भाग खून का चाह रहा है उसे खून चाहिए और दूसरा तरीका क्या है जिससे उसे खून मिलता है आत्महत्या। आपको लगता है शैतान आपसे प्यार करता है वो आपसे नफरत करता है so him, और इसलिए वो ऐसी चीजें आपको करने पर मजबूर करेगा जो उसको संतुष्ट करें आपको नहीं डिप्रेशन इज एन एनमीज मैन टू स्टार्ट एंटरटेन शत्रु है शुरुआत करने पर मजबूर करती है कि वो आत्महत्या जैसे ख्यालों के बारे में सोचे हर्टिंग योर बॉडीज अपने खुद के शरीर को चोट पहुंचाना वाई डू वी स्टार्ट कटिंग इन प्लेसेज क्यों हम अपने आप को इधर उधर काटने लगते हैं व्हाई वी एंजॉय ड्रॉइंग आउट ब्लड क्यों हमें खून निकालना पसंद आता है वी आर नॉट एंजॉयिंग इट हम नहीं उसको आनंद उठा रहे हैं दोस डेमोनिक फोर्सेस दैट कंपेल अ पर्सन टू डू दैट बिकॉज़ ही वांट्स ब्लड लेकिन वो शैतानी ताकतें हैं जो एक मनुष्य को मजबूर करती हैं ऐसा करने पे क्योंकि उसको खून पसंद है प्लीज रिमेंबर सैतान Wants blood. He doesn't care one bit about your life. और याद रखें शैतान को खून चाहिए वो एक कतरा भी आपके जीवन की चिंता नहीं करता प्लीज बी वेरी केयरफुल इन द डिसंस दैट यू मेक इसलिए जो फैसले आप लेते हैं उसमें बहुत ही सावधान रहिए. है ही वॉन्ट्स टू डिस्ट्रॉय वो नाश करना, करना चाहता है वो जीवनों को नाश करना चाहता है खराब करना चाहता है स्पेशली यंग गर्ल्स यंग लेडीज खासतौर से जवान महिलाओं के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन हु यू अलाउ क्लोज टू यू एंड अराउंड यू और आपको बहुत सावधान रहना है कि आप अपने आसपास आने की किसकी अनुमति देते हैं स्पेशली मेल फ्रेंड्स और खास तौर से आपके जो पुरुष दोस्त हैं यू नो वाई आप जानती हैं क्यों बिकॉज नॉट एवरी मेल फ्रेंड इज अ अनुन और रियल फ्रेंड क्योंकि हर एक पुरुष दोस्त आपका सच्चा दोस्त नहीं है सम मेल फ्रेंड्स विल बी ड्रॉन टू यू ओनली बिकॉज दे हैव लस्ट इन देयर आईज और कुछ आपके पुरुष दोस्त केवल इसीलिए आपकी ओर आएंगे क्योंकि वो अभिलाषाओं से भरे हुए हैं हु इज द यंगेस्ट पर्सन हियर यहां पर सबसे कम उम्र का कौन है थर्टीन ऑल राइट आई एम गोइंग टू स्पीक वेरी ओपनली मैं खोल के बात करूंगा बिकॉज इफ आई डोंट स्पीक हियर इन द चर्च क्योंकि अगर मैं चर्च में आज ना बोलूं एनी वे इन द स्कूल इट्स इजली अवेलेबल तो स्कूल में तो आराम से ये सब आप सुनेंगे एंड देन योर फ्रेंड्स टॉक अबाउट इट और फिर आपके दोस्त लोग उस बारे में बात करते so हैं सो आई थिंक इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड इन द चर्च इसलिए मैं सोचता हूं कि कलीसिया में भवन के भीतर इस बात पे बात करनी चाहिए यंग गर्ल्स इसलिए जवान लड़कियों डू नॉट अलाउ यंग मेल फ्रेंड्स टू हग यू आप जवान लड़के दोस्तों को अनुमति मत दीजिए कि आपको गले लगाएं। यू नो वाई आप जानते हैं क्यों बिकॉज देयर मोटिव्स

Uh, that are by और ये कुछ अभिलाषाओं से भरे कार्य है जो शैतान के द्वारा अगवाई किए जाते हैं दे आर नॉट गॉडली दे आर नॉट बाय द होली स्पिरिट और ये ईश्वरीय नहीं है और पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं आई लव यू जीजस द बाइबल और वो लोग कहेंगे अरे बाइबल तो कहती है अरे जाओ पवित्र चुंबन दो एक दूसरे को नो 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 बकवास बात है ये डोंट डोंट मत करिए गॉड सेक फॉर हेवन सेक एंड योर ओन सेक डू नॉट परमेश्वर के खातिर स्वर्ग के खातिर और अपने खुद के खातिर मत करिए सुजान मेबी यू कैन हेल्प मी इन स्कूल दे टीच लिटिल गर्ल्स अबाउट सेफ टच एंड नो गुड टच एंड बैड टच राइट हाउ मेनी ज़ोन्स आर देयर थ्री सोफिया कैन यू हेल्प यू थ्री फाइव गुड टच बैड टच फोर फोर सिक्स ओके कैन यू कम है सोफिया जस्ट हेल्प यू है आई नीड यूर हेल्प गर्ल्स इफ यू डि नॉट नो दिस यू नीड टू नो दिस और अगर आप लोग को ये बात नहीं पता थी तो आज पता होनी चाहिए राइट सेफ टच नो बैड टच वॉट आर द बैड टच इज जस्ट शो फर्स्ट पहला आपकी छाती का भाग है जो बैड टच अभी बता रही है बुरा स्पर्श बुरा हाँ दूसरा है आपके सामने की तरफ कमर के नीचे का हिस्सा, है वही हिस्सा पीछे की तरफ। और आपकी पीठ के नीचे का पीछे का हिस्सा और चौथा है आपका चेहरे का भाग ओके गर्ल्स दिस इज फॉर यू समझ रही हैं आप लोग बैड टच ये था बुरा स्पर्श बैड टच बोलिए बोलिए बुरा स्पर्श बुरा स्पर्श बुरा छूना है ना पहला जोन कौन सा है चेहरे वाला जोन डोंट अलाउ एनी टू डोंट अलाउ एनी टू करेस यू फ्रॉम द ऑपोजिट सेक्स और कोई भी आपके आके ऐसे गाल वाल ना छुए। दूसरी uh, किसी जेंडर से दे हैव नो रीजन टू डू इट उनके पास कोई कारण नहीं है ऐसा okay. करने का सेकेंड चेस्ट एरिया और दूसरा है आपकी छाती का भाग नो no टचिंग छूने की अनुमति नहीं okay. है नो no टचिंग नहीं छूना है थर्ड एरिया तीसरा है बिटवीन योर लेग्स आपके पैरों के बीच का भाग नो no टचिंग छूने की अनुमति नहीं है टच कोई नहीं छू सकता फोर्थ एरिया चौथा है बमचू है ना बमचू वाला एरिया नो no टचिंग और वहां भी नहीं छूना है ओके गर्ल्स यू नो व्हाई इफ यू अलाउ देम टू टच यू वंस और अगर एक बार आप अनुमति देंगी इट विल हैपन अगेन तो बार-बार होगा इट विल हैपन बार-बार होगा एंड द बाउंड्रीज विल इंक्रीज और सीमाएं बढ़ती चली जाएंगी बी वेरी केयरफुल इसलिए सावधान रहिए। ये सब शैतान के द्वारा करे जाते हैं कि आपका नाश करें। से दिस और लड़कों, आप मैं कहना चाहूंगा। और ये वो कार्य होता है जो आप अपनी आंखों से और अपने हाथ से करते हैं जस्ट टॉक्ट अबाउट डिस्क्राइब टू गर्ल्स और जो चीजें अभी मैंने लड़कियों को सिखाई They are not from God. Not from God. You know, for boys, there are no such things as. Uh, no, I will rephrase that. The scars that are found in a girl's life. और जो घाव एक लड़की के जीवन में पाए जाते हैं द सेम नॉट बी फाउंड इन बॉयज वही घाव लड़के के जीवन में शायद ना पाए जाए बट दिस लेकिन मैं बताऊं सावधानी से देर आर मेनी यंग बोय ऑल्सो हुआ विक्टिम्स ऑफ सेक्शुअल अब्यूज और ऐसे बहुत से लड़के भी हैं जो यौन शोषण के शिकार हैं बॉयज so, so हो सकता है कोई और लड़का आपके पास आए या मैन या कोई आपसे उम्र में बड़ा आदमी ओके ही मे वॉन्ट टू टच यू इन एरिया दैट यू फील वेरी अनकंफर्टेबल वो आपको ऐसे भागो में छूना चाहे जहां आपको

Uh, मैं भी उस उम्र में था तो एक बड़ी इच्छा होती थी हर एक लड़के की कि एक बटुआ वो अपने पास वॉलेट्स एंड आज कोई उतना ध्यान नहीं देता लेकिन उस समय में एक घड़ी और बटुआ so बड़ी बात I थी। I तो मुझे एक बटुआ चाहिए था वन डे ही और एक बार उसने मुझसे पूछा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं मैं क्या दू तुम्हें

He came at a time when my parents were not there. और वो ऐसे समय पर आया जब मेरे बाबा आप नहीं थे वहाँ पे. And so he came. I invited him. He was a church person, so I knew him for many years. So I invited him inside. He came. He sat down. वो आया क्योंकि वो एक चर्च का व्यक्ति था मैंने उसको रोका नहीं मैं सालों से जानता था मैंने कहा और बैठाया उसट डाउन फॉर 2 मिनट और दो मिनट के लिए वो बैठे फिर ये बटुआ निकाल के उसने मुझे दिया he said you a Here's a और मुझसे कहा देखो तुम्हें तो बटुआ चाहिए था ये लोबटवा सो एक्साइटेड और मैं बहुत खुश हो गया wow. वाह I don't have money. There's no money, but I have a wallet. मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन बटुआ है. And I really enjoyed, you know, putting it in my pocket, taking it out, putting it in the front pocket, taking it out, putting it here and there. Just it was a very fashionable thing. और बहुत मजा आ रही थी. एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में रखते थे. दूसरी जेब से निकाल के दूसरी जेब में रखते थे. At one point in time, he stood up. और एक पल ऐसा आया जब वो खड़ा हो गया. And he he walked behind me. और वो मेरे पीछे आया. Okay. And uh,

so he gets up and he comes so i'm looking at the wallet checking the pockets and all and he comes and stands behind me और मैं तो अपना बटुआ देखने में मस्त हूं और वो आता है और मेरे पीछे आके खड़ा हो जाता है and i remember this so clearly और मुझे बहुत अच्छे से याद है till today आज तक it's about 35 40 years ago और 35 से 40 वर्ष पहले की बात है ये yes He stood behind me he placed both his hands on my shoulders like this और वो मेरे पीछे खड़ा हुआ और मेरे दोनों कंधों पर उसने ऐसे हाथ को रखा and he started coming close to me और मेरे करीब आने लगा this close like this और इतना करीब आ गया and i remember as his body touched my body और मुझे याद है जैसे ही उसका शरीर मेरे शरीर से छुआ i suddenly started feeling very uneasy और मुझे बहुत अजीब बेचैनी होने लगी and i started feeling ooh डोंट लाइक दिस और मुझे उलझन होने लगी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था सो आई क्विकली मूव फॉरवर्ड और मैं आगे बढ़ा बट हीस लेकिन उसने अपने हाथ मुझ पर से नहीं हटाए केम फॉर वो भी आगे आ गया एंड आई कॉन्ट डिस्क्राइब ही कुड नॉट डू मच बिकॉज एट दैट मोमेंट आई क्विकली टर्न अराउंड आई लुक एट I said, "What are you doing?" और वो कुछ कर नहीं पाया क्योंकि मैं तुरंत उसकी ओर मुड़ा और मैंने उससे पूछा क्या कर रहे हो

और क्योंकि ऐसे अनुभव शायद आप भी अपने जीवन में अनुभव करें रिमेंबर हेट्स यू याद रखिए शैतान आपसे नफरत करता He है हेट्स यू वो आपसे नफरत करता He है लव यू वो आपसे प्रेम नहीं करता विल डू एवरी थिंग टू डिस्ट्रॉय यू वो आपको नाश करने के लिए कुछ भी करेगा आई नो ऑफ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल्स मैं सुंदर लड़कियों को जानता हूँ ब्यूटिफुल गर्ल्स बहुत ही सुंदर हु कर्स द ब्यूटी जो अपनी सुंदरता को श्राप देती हैं। दे से आई डोंट टू बी सुंदर नहीं होना चाहती क्यों? क्योंकि उनके किसी रिश्तेदार के साथ उनका बहुत ही बुरा अनुभव रहा सेक्शुअल अब्यूज और शारीरिक शोषण का यौन शोषण का इट वॉज प्रोबली अ चाचा और अ मामा और एडवांटेज ऑफ रिलेशनशिप और वो ऐसा था कि मामा चाचा या कोई चचेरा भाई जिसने उस रिश्ते का फायदा उठायान टू द पेरेंट्स वो माता पिता से शिकायत नहीं कर सकते okay, अरे तुम्हारा भाई है क्यों सोच है ऐसा तुम गंदे हो यू नो बट दैट इज नॉट द ट्रूथ लेकिन ये सच नहीं है

In their lives. क्योंकि वो अनुभव उनके जीवन में सदा बन, बना रहने वाला एक दाग बन गया है और अश्लील वीडियोस और ये एक ऐसी लत है जिसमें आप बिल्कुल प्रवेश नहीं करना चाहेंगे बिकॉज वंस यू बिकम एन एडिक्ट। क्योंकि एक बार यदि आप इसके लती बन गए यू बिकम अफ तो आप जीवन भर के लिए उसके दास बन जाते हैं ओनली गॉड इज एबल टू डिलीवर फ्रॉम दिस केवल परमेश्वर उससे छुड़ा सकते And हैं टेलिंग यू दिस लविंग गॉड टू रेस्क्यू यू फ्रॉम दिस और यह प्रेमी परमेश्वर आपको इससे छुड़ाना चाहता है सो गर्ल्स वॉट डिड यू लर्न टूडे तो लड़कियों आपने आज क्या सीखा बैड टच बुरा स्पर्श To किसी को अनुमति ना दें कि वो आपको छुए। आपके पास्टर भी नहीं। और पास्टर्स को भी अनुमति नहीं है कि आप पर हाथ को रखें और आपको महसूस करें या जबरदस्ती आपको छुए जस्ट डिस्टेंस एक दूरी बना के रखें, सुरक्षित so दूरी सेम थिंग फॉर यू और यही बात आपके लिए भी लवली सॉन्ग बट वी डोंट वॉन्ट इट नाउ अच्छा गीत है मगर अभी जरूरत नहीं है एंड सो दो दीज क्वेश्चन अबाउट पोर्नोग्राफी लस्ट एंड एंड दीज एडिक्शंस और वो आप जो सवाल को पूछते हैं लत के बारे में अश्लील वीडियो के बारे में पास्टर अमित

टू बी डिलीवर्ड और परमेश्वर आपको आशीष दें जब आप परमेश्वर की सहायता को खोजते हैं छुटकारा पाने के लिए